जिनके लिए भारत रत्न का ऐलान। और अब ये तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, चूंकि मीडिया बातचीत करने आज पहुंची है लाल कृष्ण आडवाणी जी से, उनके निवास की ही ये तस्वीरें, क्योंकि स्वास्थ्य उनका अभी ठीक नहीं है, इसलिए असमर्थ हैं ठीक से चलने में, इसलिए आवास पर आज मीडिया की मौजूदगी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप देख रहे हैं, वही लाल कृष्ण आडवाणी जिनके बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया कुछ ही देर पहले, भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाना है। और गलत नहीं होगा अगर आप ये कहें कि भारत के रत्न को आप फिलहाल देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई का सिलसिला, और अलग अलग राजनेता भारतीय राजनीति से जुड़े हुए बधाई पहुंचाते हुए, संदेश देते हुए, प्रधानमंत्री अक्सर मुलाकात करने भी पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही लाल कृष्ण आडवाणी को अक्सर देखा जाता है बातचीत करते हुए। और ये तस्वीरें, क्योंकि उनके समर्थक भी, उनके चाहने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं आज, ये निश्चित आप समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा सम्मान अपने लिहाज से भारत रत्न माना जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के निवास से ही, ये तस्वीरें उनके चाहने वाले आज यहां पर पहुंचते हुए, क्योंकि इस सम्मान को लेकर बधाई भी देनी है और उन योगदानों को याद करने का दिन भी आज, जिस बारे में जिक्र प्रधानमंत्री न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि पूरा ही देश ये बता रहा है। स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, इसलिए उनके परिजन ये समझाने का प्रयास करते हुए कि आखिर हलचल किस बात को लेकर है। और बहुत डिजर्विंग राजनेता के तौर पर भारत रत्न के सम्मान के लिए देखा जाता रहा लाल कृष्ण आडवाणी को, और कुछ तो ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी के जो ये कह रहे थे कि बहुत समय पहले दे देना चाहिए, चले लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रोफाइल साइड में आप देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की पूरा राजनीतिक करियर, जिस पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये आप समझेंगे कि आखिर भारत रत्न दिए जाने की जरूरत इस व्यक्ति को क्यों थी। ये वो व्यक्ति जो शून्य से शिखर तक लेकर पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी को, यही व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र को वो सम्मान दिलाया जिसकी जरूरत भारत को उस समय थी, अटल बिहारी वाजपेयी। और लाल कृष्ण आडवाणी को आप देखते हैं एक ऐसे राजनेता के तौर पर जिनकी शायद विपक्ष भी तारीफ करता है, दोनों ही तरफ वही जज्बा आप देखते हैं। इससे पहले ये सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी जी से पहले ये सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिल चुका। और ये देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए बधाई संदेश का इस प्रकार रिप्लाई वो कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। वो अच्छी सी मुस्कान, वो खुशी उनके चेहरे पर जरूर जान पड़ती है, इस सम्मान के बारे में जरूर उनको रियलाइज करवाया गया, ये बताया गया कि किस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र खुद ट्वीट के जरिए हुआ है। और अलग अलग देश के कोनों से उत्साह, उमंग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वो प्रशंसा जो हर एक कार्यकर्ता अपने मन में महसूस भी करता है, भले ही पार्टी के काम हो या राष्ट्र में विकसित भारत का जो संकल्प, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की नींव गढ़ी गई थी, उस नींव का परिचय अगर किसी ने दिया है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उनके घर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि मीडिया की मौजूदगी, और ये एक छोटा सा जेस्चर उनकी तरफ से धन्यवाद कहने का। एक तरह आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी में तो अटल आडवाणी एक तरह से जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक जिस प्रकार से उनने अपना स्थान बनाया, और ऐसे लगभग इतना लंबा संसदीय जीवन का जिनका अनुभव है, विविध क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उनके अपने जीवन के पड़ाव है, जिसमें वो पत्रकार के रूप में भी रहे, ऐसे हमारे यशस्वी नेता माने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूं कि हमारे सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे साथ माननीय यशस्वी अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी मौजूद है, हम सब अभी एक बैठक में थे, हमने अत्यंत आनंद से इस निर्णय का स्वागत भी किया है। और एक बार पुनः मैं आभार मानता हूं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस तरह से सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके जीवन का एक एक क्षण
भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए गुजरा है, बीता है और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाने में जिनका अतुलनीय योगदान रहा है। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में उनका जबरदस्त योगदान है और आज उनको भारत रत्न दिया गया है। ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमने अडवाणी जी से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें सब कुछ देश को दिया है। अडवाणी जी का अभिनंदन। तो ये आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी सुना और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना। एक तरफ अभिवादन स्वीकार करते हुए लालकृष्ण आडवाणी जी, उनकी तस्वीरें हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एक क्षण बातचीत करने के लिए कि बेटी शायद सामने आई। आज अवार्ड मिला दादा को, आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत से सालों से प्रतीक्षा की, इसका सबसे बड़ा सम्मान है भारत सरकार को, खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके इस बात की जानकारी दी दादा को। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका। तो ये आपने सुना लालकृष्ण माडवाणी जी की पोती को, जिनकी तरफ से कहा गया कि जैसे ही ये शुभकामनाएं उन्हें दी, ये संदेश उन्हें दिया, वो भी बहुत प्रफुल्लित हो गए और देश की जनता का धन्यवाद कहा है उन्होंने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके आवाज से लाइव और एक्सक्लूसिव। जिस प्रकार उनकी पोती की तरफ से भी कहा गया कि परिजनों में, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और धन्यवाद स्पष्ट करते हुए एक छोटे से जेस्चर के साथ, जब जब मीडिया की तरफ देख रहे हैं, हाथ जोड़ते अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए हैं लालकृष्ण आडवाणी। जीवन के इस पड़ाव पर ये खुशी उन्हें मिली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले की हैं, एक्सक्लूसिव लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी। हाँ, हमें बहुत खुशी है और मैंने जब पिताजी को बताया तो वो भी बहुत भाव विभोर हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे खुशी है कि मैं अपना जीवन देश की सेवा में लगा पाया, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से नहीं हो सकती और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का भी और देश के सारी जनता का कि उनका प्यार और उनका सम्मान दादा को हमेशा प्राप्त हुआ है। एक बहुत ही सुखद अनुभव मैं महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने बचपन से दादा को देखा है और देश के अलावा और उनका निजी परिवार और संघ परिवार और पार्टी के अलावा उनके जीवन में और कुछ रहा नहीं है, और खास तौर पर मैंने जब देखा है वो तिरंगे को सलाम करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, तो इससे पता लगता है कि उनकी निजी भावना देश के लिए कितनी गहरी रही है, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि उनको ये सम्मान दिया गया। हाँ, हमें बहुत खुशी हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे खुशी है कि मैं अपना जीवन देश की सेवा में लगा पाया, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से नहीं हो सकती और हम लोग। तो परिजनों की तरफ से लगातार खुशी का इजहार किया जा रहा है और उस भावना का भी जो फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी जी के मन में है, जिसका सम्मान करते हुए मीडिया भी थोड़ी सी दूरी बनाए हुए था क्योंकि अभी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन जीवन के इस पड़ाव में भारत का सर्वोच्च सम्मान मिलना गौरव की बात और इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी जी भी तहे दिल से शुक्रिया करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, हर ओर चूंकि शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है
और उनके जो चाहने वाले हैं वो लगातार आवास पर मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। तो शुभकामना संदेश का इसी प्रकार से इसी खूबसूरत जश्न के साथ स्वागत करते हुए, और साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आवास के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे नज़ारे वो क्षण जो बताते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी ना सिर्फ संगठन के लिहाज से बल्कि राष्ट्र के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण राजनेता के तौर पर अपनी छवि उन्होंने पेश की है, राष्ट्र के नाम भी। उनकी पोती इस बात का भी जिक्र कर रही थी कि जैसे जैसे ये घड़ी नज़दीक आई वो संघर्ष जरूर उनकी तरफ से कम हुआ लेकिन भावना कभी कम नहीं हुई। जब जब तिरंगे को देखते हैं सलाम तो करते हैं लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके भी, राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। तो तस्वीरें निरंतर हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी पोती उनके साथ आज मौजूद है। चूंकि मीडिया का हुजूम आज यहां पर और चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, तो तस्वीरें हम निरंतर आपको दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी उनकी पोती के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनकी पोती उन्हें समझाती हुई कि कैसे शुभकामनाओं की कतारें आज यहाँ पर लगी हुई हैं। वो उत्साह वो उमंग पूरा परिवार महसूस कर रहा है। मीडिया से जब बातचीत कर रही थी तब इस बात का जिक्र उनकी पोती की तरफ से भी किया गया, पूरे परिवार में हर्षोल्लास और अब शुभकामना संदेश लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया है उन्होंने और अपने दादा के समर्पण का भी जिक्र करती हुई नजर